गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा के साथ, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें, और वीडियो को भी पक्का से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक ब्यूटी पेजेंट से होती है। सभी लड़कियाँ अपना बेस्ट परफॉर्म करती है, पर ये पेजेंट हमारी फीमेल लीड लिन जीत जाती है। लिन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो अपनी ब्यूटी का यूज लड़कों को सिड्यूस करने में करती है, पर कभी भी वो उन लड़कों के साथ रिलेशनशिप में नहीं आती। वो लड़कों को टॉयज की तरह समझती है और उनको अपने प्यार में पागल करके छोड़ देती है। एक तरह से उसको लत लग चुकी है लड़कों को अपने आगे पीछे घुमाने की। पेजेंट का स्पॉन्सर कांग भी लिन पर लट्टू हो चुका था। वो लिन से उसका नंबर मांगता है, पर लिन कांग को उसकी मैनेजर रेच का नंबर लेने को कहती है। लिन एंड रेच वहाँ से निकल रहे थे तो उनको बेंटोन नाम का एक बंदा मिलता है जो कि इस पेजेंट का जज भी था, एंड ये भी लिन पर फुल लट्टू हो चुका था। बेंटोन लिन एंड रेच को घर पर ड्रॉप करता है। घर पर आने के बाद रेच लिन को बताती है बेंटोन ने एक ऑफर दिया है, अगर लिन उसकी मिस्ट्रेस बनती है तो वो उसको घर, कार और बहुत सारे पैसे देगा, पर लिन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। अगले सीन में हम इस ड्रामा के मेन लीड टिन को देखते हैं, जिसकी एंगेजमेंट प्रिंग नाम की लड़की से हो रही थी। यहाँ पर रेच भी मौजूद थी। यहाँ पर हम एक मैक नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से कह रहा था प्रेंग की मॉम मयूरी पैसों के लिए अपनी डॉटर की शादी टिन से करा रही है। वो बहुत ही ज्यादा लालची औरत है। रेच अपने घर पर आ जाती है। रेच का एक बेटा भी है जिसका नाम सीरोज है। सीरोज रेच से कहता है आप पेरोंग को मुझसे शादी करने के लिए क्यों नहीं मनाती, जिस पर रेच कहती है क्योंकि पेरोंग रिच नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहे तो तुमको किसी रिच लड़की से शादी करनी चाहिए। इसके बाद हम एक इवेंट देखते हैं जहां की चीफ गेस्ट लिन होती है। कांग लिन के पास आता है एंड उसको कहता है कि बैंकॉक वापस जाने से पहले वो उसके साथ डिनर करे। यहां पर मैक भी मौजूद था क्योंकि वो इस होटल का मार्केटिंग मैनेजर है। मैक लिन से नाइट में होटल में ही स्टे करने को कहता है बिकॉज वो भी इस ड्रामा की हूर की परी पर लट्टू हो चुका था। पर लिन कांग के साथ चली जाती है। रास्ते में कांग लिन से बोलता है कि वो उससे प्यार करता है एंड उसको गलत तरीके से टच करता है, जिस पर लिन कांग के साथ झगड़ा करती है एंड उसको कार रोकने को बोलती है। तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। लिन वहां से गुजर रहा था, वो देखता है कि एक्सीडेंट हुआ है तो कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लेता है। टिन यहाँ पर लिन का फेस देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, जिससे एज अ ऑडियंस हम समझ पाते हैं कि शायद टिन लिन को पहले से जानता है। लिन को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसको पता चलता है कि कांग की डेथ हो गई है। रिच पूछती है कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, जिस पर लिन कहती है कि मुझको कुछ भी याद नहीं है। बेंटोन एंड मैक लिन को विजिट करने आते हैं। इसके बाद लिन एक पार्टी में जाती है। पार्टी में जाते ही सबसे पहले उसकी नजर टिन पर पड़ती है। एक पल के लिए इन दोनों की ही नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। मैक लिन को अपने बॉस पोर से मिलवाता है। पोर भी लिन की ब्यूटी पर फिदा हो जाता है। पोर की एक फियांसे भी है जिसका नाम टैनिया है। टैनिया लिन को देखकर चिढ़ जाती है बिकॉज लिन एंड टैनिया स्कूल में एक साथ ही थी और इन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती थी और इन दोनों की आपस में कुछ खास नहीं बनती। पोर भी लिन के पीछे मक्खी के जैसे मंडराने लगा था, जिससे टैनिया को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए वो वॉशरूम में अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर लिन के साथ लड़ाई करती है, पर लिन उससे कहाँ पिटने वाली थी। वो टैनिया का फेस कमोड में डाल देती है एंड उन सभी की मस्त वाली बैंड बजाती है। लिन वॉशरूम के बाहर खड़े होकर उन सभी के चिल्लाने की आवाजें सुन रहा था। लिन अंदर से अपना सैंडल फेंकती है तो टिन उसको कैच कर लेता है। मैक वहाँ पर आता है, टैनिया एंड उसके फ्रेंड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। लिन अपना सैंडल ढूंढ रही थी, तभी टिन लिन का सैंडल देते हुए कहता है क्या तुम खुद को सिंड्रेला समझती हो। लिन सैंडल पहनकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर टिन कहता है तुम ब्यूटीफुल तो बहुत हो पर तुमको जरा भी तमीज नहीं है, जिस पर लिन कहती है मैं अपनी ब्यूटी के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हूँ और रही तमीज की बात तो मुझको उसकी जरूरत नहीं है, मेरी ब्यूटी ही काफी है, एंड वहाँ से चली जाती है।
लिन पोर और बेंटोन के पास आती है। टेनिया भी वहाँ पर आती है और टेनिया से पूछता है उसके हेयर्स को क्या हुआ। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको बहुत ही ज्यादा पीटा है। इसके बाद हम लिन को फूड कॉर्नर पर देखते हैं, जहाँ पर टिन जानबूझकर लिन की ड्रेस पर सूप गिरा देता है। इसके बाद लिन पोर से मिलती है। वो पोर से कहती है मैक ने उसको बताया है कि उसकी कंपनी में एक सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है, क्या उसको उस पोस्ट पर जॉब मिल सकती है। जिसके लिए पोर एक सेकंड में हाँ बोल देता है। लिन घर पर आती है। रेज उसको पूछती है कि वो ये सेक्रेटरी की जॉब क्यों करना चाहती है, जिस पर लिन कहती है अगर मैं ये सेक्रेटरी की जॉब करूँगी तो मुझको घर कार और बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मुझको किसी की मिस्ट्रेस भी नहीं बनना पड़ेगा। लिन को कंपनी की तरफ से घर और कार मिल जाते हैं। लिन कंपनी जाती है तो पोर मैक और बुनटोन उसकी सेवा में लग जाते हैं। टेनिया वहां आती है तो लिन को देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो टेबल पर रखी सभी फाइल्स को फेंक कर वहां से चली जाती है। लिन फाइल्स उठाने लगती है तो बुनटोन और पोर उसको रोकते हैं कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए, वो ये फाइल्स उठा देंगे। और यहां पर लिन सही मायने में अपनी ब्यूटी का यूज कर रही थी, वो अपने बॉस से ही काम करा रही थी। टेनिया लिन के घर पर आती है। मेड उसको घर के अंदर जाने से रोकती है। टेनिया मेड से कहती है मैं पोर के फियोंसे हूँ, जिस पर मेड कहती है आपके फियोंसे ने ही मुझे यहाँ पर लिन की केयर करने के लिए रखा है। जिस पर टेनिया पूछती है लिन कंपनी कैसे गई थी। मेड उसको बताती है पोर लिन को पिक करने आया था, जिस पर टेनिया को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो भागकर घर के अंदर जाने लगती है। मेड उसका पीछा करती है तो वो मेड के ऊपर अपने सैंडल्स फेंकती है। वो जल्दी से भागकर लिन के रूम में जाती है और रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। वो लिन के सारे कपड़े बालकनी से नीचे फेंकने लगती है। मेड उसको ऐसा करने से रोकती है। इसके बाद हम प्रेम की मॉम मयूरी को देखते हैं, जो कि एक कसिनो में थी और ये एक अव्वल दर्जे की जुआरन है गैम्बलिंग में हमेशा ही हार जाने की वजह से ये पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई है, पर फिर भी इनके सर से गैम्बलिंग का भूत नहीं उतरता। मयूरी मैक से मिलती है क्योंकि उसने मैक से भी बहुत सारा कर्जा लिया है। मैक उसको याद दिलाता है कि उसको अपना डेबिट जल्द से जल्द भरना होगा, जिस पर मयूरी कहती है कि उसको याद है। मैक कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही कर्जे में डूब चुकी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे अपना सन इन लॉ चेंज करना पड़ सकता है। इसके बाद हम नूट को सीरोज के साथ देखते हैं। सीरोज ने नूट को पूरी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था एंड वो नूट से पूछता है कि क्या वो उसके साथ शादी करेगी, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। टिन कंपनी आता है, उसने मास्क लगाया हुआ था इसलिए लिन उसको पहचान नहीं पाती। टिन कहता है कि उसको पोर से मिलना है। लिन कहती है वो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, क्या आपको कोई और काम है। जिस पर टिन कहता है और कोई काम तो नहीं है, बस मैं तो ये देखूंगा कि तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा जा रहा है ऑफिस में। बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल लिन, तुम्हारी ब्यूटी ही काफी है, तुमको काम की क्या जरूरत है। जिस पर लिन चिढ़ते हुए पूछती है कि तुम कौन हो। टिन उसको नहीं बताता कि वो कौन है। मैक वहाँ पर आ जाता है तो टिन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे टिन एक बार फिर से कंपनी आता है, पर इस बार उसने मास्क नहीं लगाया था। टिन पोर से मिलता है। यहाँ पर लिन छिप कर टिन की फोटोज क्लिक कर रही थी। इसके बाद ये सभी लंच के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पर टेनिया आकर एक बार फिर से तमाशा करती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।